फ्रेंड्स, मेरा नाम है मशकूर अली और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, भारत पे की जो AEPS की सर्विस है, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। हम कैश विड्रॉल कैसे करेंगे, हम कैश डिपॉजिट कैसे करेंगे और हम बैलेंस की इंक्वायरी किसी अकाउंट की कैसे करेंगे। दोस्तों, तो ये मैं सब आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बराबर में घंटी वाला बटन, जिससे कि उसकी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज के आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम एक PC के इंटरफेस पर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी मोर्फो फिंगर डिवाइस है उसको हम अपने PC से कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अपना फिंगर डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक ड्राइवर का वो आएगा मैसेज, देखिए ये आ गया, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमारी मोर्फो की डिवाइस इससे कनेक्ट हो चुकी है। अब हम अपने वेमटेक का पोर्टल ओपन करेंगे, ठीक है। ID और पासवर्ड एंटर करेंगे, लेकिन मेरे में पहले से सेव है इसलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद B2C सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर भारत पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्लिक टू प्रोसीड, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, हम जो है भारत पे के पोर्टल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो सर्विस मिलेगी वो बैंकिंग सर्विसेज में जाके मिलेगी, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र और AEPS पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। एक सर्विस अपडेट, सर्विस अपडेट में क्या होता है, जो हमारे मोर्फो फिंगर डिवाइस के जो लेटेस्ट ड्राइवर्स होते हैं उसी के साथ ये वर्क करती है, तो वो यहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी, किसी की पासबुक लेकर आप उसका फिंगरप्रिंट लगा के उसके बैलेंस पता बता सकते हैं आपके उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। यहाँ से कैश विड्रॉल होता है, यहाँ से कैश डिपॉजिट होता है, लेकिन अभी दोस्तों कैश डिपॉजिट का जो ऑप्शन है वो अभी बंद है और शायद नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जब भी स्टार्ट होगा मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको बताऊँगा कैश डिपॉजिट किस तरह से होता है दोस्तों। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है वो प्रेस करना होगा, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बैलेंस इंक्वायरी करके बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल ID अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये लगाकर फिर फिंगरप्रिंट को स्कैन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस चेक लिखकर सबमिट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर, उसके बाद बैंक कौन सा है, सिंडिकेट बैंक, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हो बैंक के साथ, मेल ID नहीं डालते हम अभी, फिंगर स्कैन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, मोर्फो डिवाइस की लाइट जल चुकी है, अब हम उस पर फिंगर लगाएंगे कस्टमर की और फिंगर स्कैन देखिए कैप्चर सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम बैलेंस चेक, BA, ठीक है फ्रेंड्स, अब सबमिट कर देंगे। अब ये देखिए ऑथेंटिकेशन हो रहा है सक्सेस, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए कस्टमर बैलेंस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये 1062 रुपये कस्टमर के अकाउंट में हैं और इसका हम डाउनलोड करके प्रिंट करके दे देंगे कि ये लो अपनी जो बैलेंस की इंक्वायरी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन। अब बैक चलते हैं हम और अब दिखाते हैं आपको कैश विड्रॉल किस तरह से होता है फ्रेंड्स। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर जो जितना अमाउंट है वो डालेंगे, उसके बाद बैंक कौन सा है, उसके बाद मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हो, उसके बाद फिंगरप्रिंट को स्कैन करके यहाँ पर कैश विड्रॉल लिखेंगे, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। सबमिट करने के बाद जिसको कैश विड्रॉल करना है उस कस्टमर को हम कैश दे देंगे और उसके जो बैंक का अकाउंट है उससे निकल के बैलेंस हमारे पोर्टल में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 100 का अमाउंट है, ठीक है, मैं 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ आपको, बैंक सिंडिकेट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, उसके बाद मेल ID हम नहीं डालते, यहाँ पर कैप्चर स्कैन करते हैं, देखिए लाइट ब्लिंग हो गई है, फिर हम इसको स्कैन करेंगे फिंगर को, सक्सेसफुली हो गई कैप्चर। उसके बाद कैश विड्रॉल की शॉर्ट फॉर्म WI, ठीक है, सबमिट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए कैश विड्रॉल सक्सेसफुल, ठीक है दोस्तों। ये रसीद है इसकी, यहाँ से डाउनलोड करके रिसिप्ट को हम उसको प्रिंट करके दे देंगे और उसके मोबाइल में भी मैसेज आ गया होगा कि 100 रुपये जो है विड्रॉल हो गए हैं। अब क्या होगा, जो 100 रुपीज़ हैं ये निकलकर हमारे पोर्टल में आ जाएंगे और हम कस्टमर को 100 रुपये दे देंगे, ठीक है। और इसका जो हम चार्ज लेते हैं दोस्तों, 1.5% इसका चार्ज लेते हैं, जितना भी अमाउंट वो निकाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो इसका हम 1.5% चार्ज लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। जिसमें कि 1% कंपनी लेती है और 0.5% हमारा होता है।
तो चलिए दोस्तों अब हम बैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये कैश डिपॉजिट का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है, यही ऑप्शन है हमारे जो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस है उसमें यही सर्विसेज हैं, और जैसे कैश डिपॉजिट का आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।